ऐसन संगीत गीत के काबा जोर, ऐसन संगीत गीत के काबा जोर, जहमा मुकाबला होला चौकी तोर, पूर्वे छप रहिया तानवान आला लड़की पापट के सान में गावेला जहां बिरहा दंगल, बिरहा दंगल शो। बहुत बहुत रुआ सबके स्वागत बा महुआ चैनल के वह कार्यक्रम में जौने के रुआ सबके हिला के बसिपाही के बाजोर के करा में बा कितना जोर आपन माटी आपन बल रुआ सब देख रहल बानी बिहार दंगल टू। कमर कस के हमार गवैया भाई लोग तैयार बनन, साजबाज भी तैयार बा, त कार्यक्रम के शुरू कैल जाए। करा पहले रुआ सबका परिचय करावल चाहतनी अपना जज महोदय लोग से। सबसे पहले हम रुआ सबके बता दी कि बिरहा के पक्ष में बैठावल बाड़न जज के कुर्सी पर श्री काशीनाथ यादव जी। बिरहा दंगल टू के माध्यम से हम अपनी जनता जनार्दन से निवेदन करके कहल चाहत हैं कि हालांकि असंभव बा, ई नइखे होखे वाला, लेकिन अगर हो गईल कि जहिया भोजपुरी भाषा आई बिरहा ना रही, तहिया सोच पूरी दुनिया की अनपढ़ चिड़ई चुरुंक का होई। कुल ही देश की सरहद की पार का चिड़ई भारत में आवेली, आय अपने में खूब बतियावेली। कौनो देश का गाय भैंस एक ही रंगे अपनी बचवन के दूध पियावेली। पूरे धरती का पूरा जानवर बटुरा जइहन त देख अपनी आदिकाल की भाषा भोजपुरी में बतिया लिहन, खिसिया लिहन आ मन करी त गाल लिहन। उ कौनी स्कूल में पढ़े जाली जहाँ अंग्रेजी हिंदी या फारसी आदि के पढ़ाई होले। अरे भाई आज ले उ भाषा भोजपुरी में अपने में बतियावेली, मन करेला त रो लेली, मन करेला त इहे बिरहा गा लेली। ऐसे हमनी के जिम्मेदारी बढ़ जात बा कि अगर भोजपुरी भाषा का विस्तार कम हो जाए तो पूरी दुनिया का चिड़ई चुरुंग गूंग हो जइहन। दुनिया में एकर प्रचार प्रसार इंसान खातिर भी आ जानवर खातिर भी भोजपुरी भाषा का या बिरहा का कैल जरूरी बा। बहुत बहुत धन्यवाद। तई रहनी बिरहा के पक्ष में जज के कुर्सी पर विराजमान श्री काशीनाथ यादव जी, निष्पक्ष जज के भूमिका में प्यारे लाल कवि जी। हम प्रणाम करतानी बिरहा दंगल के श्रोता दर्शक भैया बहनी लोग के। आप लोग यही तरह आशीर्वाद बनौले रहीं। आप लोग का प्यार हमनी के जिंदगी का बहुत बड़ा प्रसाद है। अब बाकी घराना के जज के कुर्सी पर विराजमान बानी श्री परशुराम यादव जी। छाती में दहकत आगी हो, इह मार घराना पागी हो। बहुत जोश बा, बड़ा जंग बा, बड़ा जुनून बा, कलाकारन में भी जोश बा, जज साहब भी जोश बारूद लेखा भर रहल बाड़न। तैयार रही सबे आगे आगे विद्रोही घराना का सरदार है रे 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 सुरेंद्र जी। जब दुश्मन आगे पड़ जाला हमार विद्रोही घराना चढ़ जाला। अरे बाबू हे भाई, आज का तेवर दोनों जज साहब लोगन का देख के रुआ सभे भी सोचत हो कब कि आज का टक्कर बहुत भिड़ंत का टक्कर हुई। अब जल्दी से बता दें सभे, काशीनाथ जी रुआ से हाथ जोड़ के निहोरा करतनी, बताई गावे खातिर दोनों घराना से के कलाकार आ रहल बा। न्यायालय का विचार बा कि बागी घराना से सुदई राम यादव जी बिरहा गई हैं, आप पहले गई हैं। अच्छा। आ उनकी जवाब में विद्रोही घराना से उनकी गाना का जवाब नीलम सिंह दी हैं।
सब लोग के प्रणाम करके अब मंच की तरफ आ रहा बड़न। कार्यक्रम शुरू होके न्यायालय से फैसला हो गई बा कि दोनों कलाकार गई हन। पहले सबसे के गई सुदई राम यादव। भैया सुदई आप गई ही, भैया सुदई गई ही, आप सबके सुनई ही, ध्यान से आप सब बैठा रहा भैया बड़ा रसा इरा सरियता अपने फन का अपने मन का एक ठे अलग गवैया यहाँ इलाहाबादी में भैया जब घुसा था तो बता दे सही की असरियता था अरे रेता हो भाई रेता सुदई भैया गई हाँ एकरा पहले लेवे के पड़ी छोटी बाबू रुकी ले देगी बड़ी जेटी मटी ये का गई है सुदई जी गई है लेकिन कवन रस गई है प्यारे लाल जी रुआ बताई नयन काजर से ना नजाकत से सजेला रूप मेकअप से ना सराफत से सजेला जवन दिल के भाई जाए वह सिंगार है ओठ ओठलाली से ना मुस्कुराहट से सजेला। अरे वाह वाह बारे कवि जी सिंगार रस सुदई आज श्रृंगार रस नहीं है श्रृंगार रस तो होठ होठलाली से ना मुस्कुराहट से सजेला। रानी हमरे बगल में एंकर खड़ी अहीन ई जब भी मन करत है तब हमसे एक टक्कर लड़िया तही का करी भाई सुदई भाई हम के बड़ा परेशान कह दी है बहिन ठीक बा हम इनका समझत ही आ तू इनका समझ ला। कार्यक्रम शुरू हो खे एकरा पहले लेवे के पड़ी छोटी मुकी जियो कजरा वही दिन दीप कजरा वही दिन दीप जेह दिन मुर बालम अही कजरा वही दिन दीप जेह दिन मुर बालम लोई कहें कबीर दास कहें औरत काशी जी में जब रामानंद गुरु ज्ञान दे तो लंगोटी लगाए के भजन में लोई कहें दुल्हा तरीछ गए राम की भजनिया यहीं पर सिंगार करी रोए दुल्हनिया विदिया वही दिन दीप जेह दिन मुर बालम अही विदिया वही दिन दीप जेह दिन मुर बालम सिंगार रस विरह के मांग के हमारे कवि जी तो डायरी पर लिख ले विरह चालू रहे मेहरारू शब्द न हो चाहे सिंगार रस में मनसेधु शब्द न हो चाहे औरत शब्द न हो चाहे पति शब्द न हो चाहे सिंगार रस आखिर पूजे कैसे एक आज हम पूजे और चारों शब्द निकाल के जे भी यहाँ आए ध्यान दे मेहरारू शब्द न रहे सिंगार रस में मनसेधु शब्द न रहे सिंगार रस में और औरत शब्द न रहे नारी शब्द न रहे तू आखिर सिंगार रस पूजे कैसे एक साबित करते सिंगार रस के मतलब का होता गणासा तोहरे चाल पर चले गणासा तोहरे चाल में तोहरे चाल पर चले कैसन काने में तू पहन लिहु कनपासा गणासा तोहरे चाल पर तू पहन लिहु कनपासा गणासा तोहरे चाल पर कैसन काने में तू पहन लिहु कनपासा गणासा तोहरे चाल पर चले ख कैसन क ग ख आई गे खूब गहना से किहू सिंगार गलकी हंसुली हलकेदार घूंघट तरे छुपी तलवार चलत जिगर पर कैलुआर खूब गहना से किहू सिंगार गलकी हंसुली हलके घूंघट तरे छुपी तलवार अंग खत्म च
चलत जिगर पर कैलुआर छ गणा सा तोहरे चाल पर चले छलिया छान के गोरी फेंक जिन तू पासा गणा सा तोहरे छलिया छान के गोरी फेंक जिन तू पासा गणा सा तोहरे चाल पर छलिया छान के गोरी फेंक जिन तू पासा गणा सा तोहरे छ के बाद ज जेवर जगह जगह रंगदार छ झुमका झूले बदन तोहार अड़ खत्म ट टीका टिकुली सटी लीलार ठ ठुमुकी ठुमुक के भरत उलार ड गणासा तोहरे चाल पर चले डोलत फिरत बबुनी बंद हो यहाँ सासा गणासा तोहरे चाल पर डोलत फिरत बबुनी बंद हो यहाँ सासा गणासा तोहरे चाल पर डोलत फिरत बबुनी बंद हो ही सासा गणासा तोहरे ड के बाद ढ ढंग से ढला छैल का हार हार ढंग से ढला छैल का हार ककहरा ढंग से ढला छैल का हार त तोहरी किस्मत जग अपार थ थम थम फेरवा फेरवा थम थम फेरवा भरत उलार द देखब कुदरत का खेलवार ध गणासा तोहरे चाल पर चले धरबू लाठी बबुनी लग जई हैं अब लासा गणासा तोहरे चाल पर धरबू लाठी बबुनी लग जई हैं अब लासा गणासा तोहरे साय मुन्ना बाबू हैदर अली धरबू लाठी बबुनी लग जई हैं अब लासा गणासा तोहरे चाल पर चले ध के बाद न नागिनी नगद बनू दिलदार प पैर में पायल की झनकार फ फंदा फसाई लिहू दिलदार नागिनी नगद बनू दिलदार पैर में पायल की झनकार फंदा फसाई लिहू दिलदार ब और बिगड़े जीवन रंग तोहार गणासा तोहरे चाल पर चले अरे गणासा तोहरे चाल पर चले भाई हैदर कहिगे सभा में छंद खुलासा गणासा तोहरे चाल भाई क्या हैदर अली बाबू अरे जिया हम राजा जिया जोरदार ताली भाई बारह सुदई भाई बिरहा का एगो ई रूप है जौने के हमार गवैया लोग हमार दादा लोग चाचा लोग अपने जमाने में गावत रहलन आज सुदई भाई असली बिरहा सुना के और श्रृंगार का भी वर्णन कैल हम बेताब बानी रहुआ सभी बेताब बानी रोम रोम सिहर गई बा जज साहब लोग के हम जल्दी जाए के चक्कर में बानी लेकिन मजबूरी बा नीलम सिंह के बुलाई अब उनसे गवाई श्रृंगार रस एक पहले लेवे के पड़ी छोटी मुक्की ब्रेक अच्छा बाबूजी आज इस महुआ चैनल बिरहा दंगल भाग टू में आज जो हमारे चार मूर्ति के रूप में भगवान स्वरूप जो हमारे जज साहब लोग सामने बैठे हुए हैं मैं एक स्वर से मैं उन लोगों के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। साथ साथ में हमारे एंकर के रूप में गुरु के समान आप बड़े भाई विजय लाल यादव जी के चरणों में मैं कोट कोट नमन करती हूँ। साथ साथ में जो हमारी दीदी रानी चतुर्वेदी जी हैं उनके चरणों में नमस्कार प्रणाम और साथ साथ में जो भी भाई इस महुआ चैनल बिरहा दंगल भाग टू को देख रहे हैं टीवी के माध्यम से मैं सबको एक साथ नमस्कार प्रणाम करती हूँ। आप लोग के बीच में एक छोटा से श्रृंगार रस के बिरहा प्रस्तुत बा जैसे में कि आप लोग के बीच में हमार यहाँ कोनो कंपटीशन का बात ना है महुआ चैनल में आप अभी भी हमारे ही
सामने बैठे हैं आप हमारे गुरु समान सुदय भैया बैठल हुआ बड़े सुंदर गीत सुनौलन जैसे कि पहले के पुरनिया लोग गावत रहलन खैर देखले तना रही लेकिन सुनी ला जा लेकिन हम बतावत थी कि कहीं आपके अनुभव 25-30 साल से हुआ और हम कहीं हमारे 1-2 साल से अनुभव होते एक के बराबर ना लग जाए तो आपके चरणों में हमारे नमस्कार प्रणाम हुए कहा नाम है कैसे कि कंगना भैल कटार कीरा बनल गले के हार तो फूलवा जन लीजे वन भैल समय पर खार कितना सुंदर कवि जी बात बतौलन कह नाम है कैसे तर्ज लग गई वह बड़ी पुरान गीत हुए कि अरे हंसी हंसी पनामा कि राजा भरत हरी कपिंगला गुजरिया कि छला के बदनिया पर नूर हो कि दिल में बसाए राजा कि दिल में बसाए राजा मोहानी मूरतिया त करे ना करे जवा से दूर बाबू आखिरकार बताओल गई कि वही राजा भरथरी के दुलहिन पिंगला रहली बहुत खूबसूरत इतना खूबसूरत कि जितना भी वर्णन करल जाइए वो भी कम पड़ जाए आखिरकार उनके चेहरा के उनके खूबसूरती के देख के एकदम मनमुग्ध होगल हुए मोहित हुए जब मोहित भयल हुए इतना मानत हुए जब उन्हें का कौनो हिसाब है किताब ना हुआ आखिरकार एक दिन दरबार में बाबू प्रजा लोग भरल हुए सब लोग बैठल हुए वही बीच में एगो साधु बाबा अलन आ जब साधु बाबा अलन त राजा जी से एगो बात कहलन का कहलन तर्ज लग वही गीत हो लेकिन तर्ज बढ़िया फर्ज सुना कितना बढ़िया कवि जी लिखले हुए उस साधु बाबा राजा जी से बतावत हुआ का बतौलन कि जवानी जालिम राजा कि जवानी जालिम राजा नहीं ये बस में होती जवानी जालिम राजा नहीं ये बस में होती कलन किया है राजा साहब ये जवानी चाहे कोई कहो खे कोई के बस में होखे वाला ना ये चीज हुए कोई के बस में ना हुए इतना बतिया बतौलन कलन किला हमार तो बढ़िया खूब सेवा कैला जिंदगी भर सेवा कैला लेकिन ये सेवा जितना कैला यही खातिर हम तोके एगो एकरे खातिर एगो चीज देती का दे थुआ तर्ज बदल गई उहे गीत हुए कि खतयाई गयो कि खतयाई गयो शहर बनारस साधु बाबा बतावत हुए कलन किया है राजा साहब आइला एगो चीज देती है कि बढ़िया ढंग से इस्तेमाल करी हा तेलन का फल खाएला राजा कहला योगिया फल खाएला फल खाएला राजा कहला योगिया फल खाएला और बतौलन कि कबो आई ना बुढ़ाई सदा रही तरुड़ाई खूबा कैला सेवा काई एकर मजा गैला पाई फल खाएला राजा कहला जोगिया फल खाएला फल खाएला कलन किया है राजा साहब बतौली है कि जवानी कोई के बस में रहे वाला चीज ना हुए आहाई एगो फल देते ही बड़ी तू हमार सेवा कैला यही पर खुश हो के फल देती आए फल के खाए ले बा तो कबो बुढ़ई बा आखिरकार फल त ले लेलन राजा साहब
असाधु बाबा देख के चल गयलन, सोचलन राजा साहब की न हम फलवा खाए के अपने अपनी रानी के दे दही। रानी पिंगला के फल देले हुए, आ जब रानी पिंगला के फल देलन तो भइल का तर्ज बदल गई मास्टर। वही गीत है बढ़िया पुरान गीत हो कि अरे बोहारी पड़ो मेलावा में, लेकिन इधर राजा साहब अपने रानी के फलवा देते हुए तो कैलन का कि खियाई देता राजा जी कि अरे खियाई देती रानी जी के फलवा ले जाए हो में उफल देवे खाती। आ जब सन कक्ष में पहुंचल हूं तब बाबू भयल का कि फल खाला रानी कायम रही है जवानिया हो, ए रानी ई फल खाला तोहर जिंदगी आ तोहर ई कबो ना बुढ़ौती आई, एकदम सदा जीवन भर यही तेरे जमाने रहबू। फल खाला रानी कायम रही है जवानिया हो, अपने से ज्यादा बेसी मानी दिला जानिया हो, त सुत गईला से जिया पर सुत गईला भावरा से जरिया सजाए हो खियाई देती रानी जी के फल वाले जाए हो खियाई देती रानी जी के। आखिरकार जब रानी के ले जाए के फल देले राजा साहब, रानी तो फल ले लेली लेकिन कुछ कहत ना है। आखिरकार बाबू प्रमाण मिलल कि वो रानी पिंगला कंटेक्ट और कंसल्ट कोई और से रहल। कैसे रहल तो एक कोतवाल साहब से रहल। वो सोचलनी कि हम ना फलवा खाए के कोतवाल साहब के दे दे, हमार कोतवाल साहब कबो बुढ़ैबे न कर, सदा जवाना रह। आखिरकार बाबू भैल का बिरहा शैली से भाव मिलल जीवन में इन से यारी ना करे कि कामी कुटिल कमी ना काम बसी जो नारी, जीवन में इनसे यारी ना करे। अरे बाबू कामी कुटिल कमी ना काम बसी जो नारी, जीवन में इनसे यारी ना करे। कितना बढ़िया कवि जी संकेत कैलन लिखलन दर्शौलन गाना के अंदर। तर्ज बदल गिल कैसे मास्टर? कैसेट का नाम बनी रहुआ सटल रहे, बड़ी चीत परचित गीत आप लोग का हुआ आयल जो ने समय मार्केट में बड़ी धूम मचौले रहल। दुलही रहे बीमार, दुलही रहे बीमार निरहुआ निरहुआ सटल रहे, दुलही रहे बीमार निरहुआ जब गईलन ओही बीच में कोतवाली आई गईलन रानी के घरे, आ जब दरबार में आयल हुआ रानी के सन कक्ष में गईलन तब तक से भयल का आ गईले कोतवाल, आ गईले कोतवाल दुलहिया कहन लगी, अरे आ गईले कोतवाल दिलवा से दिल के दिल से हाल गुजरियो कौन लगी, दिल से दिल कई हाल गुजरियो कौन लगी कि आ गई ले कोतवाल दुलहिया कहन लगी। आए बाबू कोतवाल साहब अलन एकदम आँखी में आँख डाल के आ एकदम एकदम नैना चार भइल हुए नजर में नजर गड़ाए के लगलिन कहे कि है कोतवाल साहब एगो चीज तोहरे खाती रखले है, पूछे लगलन कि ऊ का रखले तो कहे कि है यह फल रखले ये के खाए लेबा तो कबो बुढ़ैबे ना करबा। आखिरकार बाबू फल के दे देले है कोतवाल साहब ले के फल के गइलन, आ ऊ फल ले गइलन कहां ते एक कोठे पर बेस्या के यहां, आ ऊ जब कोठे पर नाचे वाली नृत्य करे वाली बाबू बेसिया के यहाँ फल के ले जाए के दे देलन बेसिया के, सोच गईलन कि फलवा हम न खाई के वो बेसिया के दे दे तो जिंदगी भर यही तरह रही कबो ना बुढ़ाई, चूंकि ओकर ओ
ऐसा कर्म हो पेशा हुए यदि कबो ना बुढ़ाई तो ओकरे बदे बढ़िया हो। आखिरकार जब बेसिया फल ले ले है बाबू ओ समय बेसिया फल लेके झंखत हुए एकदम आंख से झरझर झरझर नीर बरसत तो सोचे लगल कहे कि बाह रे मालिक जिंदगी में अपने जीवन में कबो बढ़िया कर्म तना कैली लेकिन ए जीवन में कर्म बढ़िया तना कैली लेकिन कुछ ऐसा कर्म कह दही कि वो जीवन में हमके मुक्ति मिल जाए सके। आखिरकार बाबू उ फल जब पौले हैं बेसिया तुरंत ले जाए कि राजा साहब के दरबार में गईली। राजा के दरबार में जब गई हैं भरथरी यहाँ बाबू ओ समय सोचे लगलिन कली कि ये राजा साहब एगो हम सामान आपके लिए आवे के देले हैं दे थे सामान आपके आखिर कैलिन का आला में भाव मिलल कि अरे फलवा देखा तो झंखे राजा भरथरी बाबू सोचे लगलन फल दे के कि का करत हौ ई काहे बदे हमके तू फल दे तू सोचे लगे ना कि है फल त हमके जोगी बाबा देले रहलन खाए बदे आखिरकार फल गयल कैसे वहां सारी बात को अपना बता देती है बेसिया कि हमको तो कोतवाल साहब ला करके दिए हैं सोच गई कि मैं यही सोच करके आपके यहां आई हूं राजा साहब कि भगवान और राजा का दर्जा एक ही बराबर हुआ करता है आप भी तो प्रजा के लिए इतना जड़ते मरते हैं अगर आप नहीं रहेंगे यदि आप फल खा लेंगे जिंदगी भर आप जवान रहेंगे तो प्रजा को सुख देते रहेंगे और प्रजा बाबू स्वतंत्र रहेगी। आखिरकार यही बात कह करके जब राजा के फल दिले राजा सोचत हुआ कैलन का जनमा से बढ़ के जनली जमने रानिया के बाबू बना मिला नावा से जरिया पो कोई हैरनिया चली दिहल छोड़ी बाबू घरवा हो दुआर जाकर के रानी पिंगला के सैन कक्ष में पूछे लगलन कलन का हो रानी हमारे साथे तू इहे करल चलू है इतना हम तो के जान से बढ़ के जेके मनली जौनी रानी के जेकरे पर जान ने उछावर कैली आज हमके तू इहे सिला देलू है आखिरकार कौन हमारे हमसे तो के कमी रहल का कुछ कमी कैले रहली रानी आँख से झरझर झरझर नीर बरसत ही रानी पिंगला के सर के मुड़ी के नीचे झुकाए ले हैं कलिन कि ना राजा साहब बहुत बरियार हमसे गलती हो गई आखिरकार क्रोध में हो करके गुस्सा में हो करके राजा भरथरी बाबू घर द्वार के त्याग के चल देलन कहले कि हमार तोहार आखिरी मिलन हुए आ जब घर द्वार के छोड़ के चलल उस समय आखिरी कड़ी में कवि जी लिखलन का लिखलन अरे देखे अंतिम बेरिया निरन्नय नवा भरी कि बाबू देखे अंतिम बेरिया निरन्नय नवा भरी तो छोड़ के चल दी हले दुआरवा हो राजा भरथरी अरे गेरुआ बसन सो है हाथे में गुजरिया अ गुरु के भजन तब कैले राजा जोगिया कि जीवन में इनसे यारी ना करे कि बाबू जीवन में इनसे यारी ना करे त नीलम राम निवास के रक्षक डमरू धारी जीवन में इनसे यारी ना करे अरे वाह सही रली नीलम जी रवा सब के सुनौली रवा सब सुन ली आशीर्वाद भी रवा सब दे रहल बानी लेकिन अब सुदई राम यादव जी के हम मंच पर बुलाई ये से पहले लेवे के पड़ी छोटी मुकी ब्रेक
रउआ चैनल के वो कार्यक्रम में जेके रउआ बड़ा प्रेम से कहिला के बा सिपाही के बा चोर के करा में बा कितना जोर आपन माटी आपन बल रउआ सब देख रहल बानी बिहार दंगल टू। तब हमार दोनों कलाकार लोग मंच पर आ गए बड़न रउआ सब भी बेकरार होखब कि जल्दी जल्दी जज साहब के अदालत में लोग के ले चले। सबसे पहले हम बागी घराना के जज की कुर्सी पर विराजमान श्री परशुराम यादव जी से निहोरा कर रहल बानी कि रउआ बताई कि दोनों कलाकार लोग के गीत कैसन लगल रउआ के। बहुत बढ़िया लगल। जब वो लड़की अपना मुँह से कह दिलस गुरु जी सुदई के आ एक दो साल के अपन अनुभव बतौलस तब ओकर हम तारीफ या आशीर्वाद छोड़ के और का दे सकिल हमके ओकरे पर हम टीका टिप्पणी ना कर सकिला हमार हिम्मत ना करत बा हो सकेला वो हर का जज साहब कुछ कह दे। विद्रोही घराना के सरदार से हम पूछल चाहत बानी अरे ओ ओह रे वाह सुरेंद्र जी राउर का विचार बा। हाय 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 री वाह वाह रे सुदई जी बहुत बढ़िया आप बिरहा गौला आपके बिरहा ककहरा के रहल एगो नारी के ऊपर कटाक्ष रहल लेकिन वाह रे नीलम जी वाह गजब कहानी तू गौलू। एगो वेश्या के चरित्र का होला इहो बता दिहलू और राजा खातिर के वेश्या कि हमार राजा जियत रही है तो प्रजा के सेवा करी है कथानक बहुत बढ़िया रहल श्रृंगार रस के भी झलक रहल इनकी बिरहा में दोनों कलाकार बहुत बहुत बिरहा बढ़िया गौल। आखिरकार जज साहब के बार बार टिप्पणी बाकी विद्रोही घराना के जज से पूछल जा दोनों कलाकार ठीक गौलन आखिरकार तू मनबा कब तू यापन रोहन पहले तो सुधार ल बाबू बाबू का कपार पर लात धरे का कोशिश मत करा। बाबू के कपार यहाँ जज की कुर्सी पर बैठल बड़ा बाबू का कहला नहीं नहीं तू जज बड़ा हमहू जज बनी हम का बाप का कहला लड़ाई के मैदान में जे चलल बा भाई सुना सुना अब लड़ाई के मैदान में बाबू और भाई के कौन रिश्ता पहले बात सुन वहां तो रिश्ता है लड़ाई का। अरे भाई सुनिए लड़ाई के मैदान में कहना जानते हैं कि बोलना भी जानते हैं कौन हमार तू बाप बड़ा आप सुनिए केवल कहना जानते हैं ई कह मैं दोनों भाई बाबू शब्द लगाया हूं छोट भाई कह ठीक बा। अरे भाई सुना बाबू शब्द हम दोनों ओर से लगौली हाँ कि तनी सुधरे त जाना बाबू बाबू के कपार पर लात मत धरा हमारी शब्द पर पहले गौर करा हम दोनों ओर बाबू शब्द लगौले हैं। अब बात कार विहीन हम आदमी ना है बात बनावला सना अगर छोट भाई के बाबू कहल जाला तो तू बड़ भाई का अगर छोटो भाई के मानल जात हो मान ला तो हमहू कहली हाँ अपना के छोट भाई की बाबू के कपार पर लात मत धरा बात अगर छोट भाई मान के कहले हो बात तो कहला हम अपने खातिर के लगा तू ही कहला कि बाबू की कपार पर लात मत धर हां हां दोनों ओर लगो बाबू की कपार पर लात दोनों ओर बाबू कह गेला लड़का के भी बाबू कह गेला भोजपुरी जज साहब जज साहब दोनों ओर बाबू ए बाबू बाबू के कपार पर लात मत धर ए बाबू दोनों जज साहब लोग अपने में कटाक्ष कर रहल बानन रुवा सब देख रहल बानी एमे हमरा के बीच में हमार बोलल हल्कापन हो जाई हमने की बोलल चाहत आनंद लेत रही लेकिन अब बिरहा खातिर जज के कुर्सी पर विराजमान बानी बिरहा के पक्ष में श्री काशीनाथ यादव जी रउआ से जानल चाहतनी कि दोनों कलाकारन के गीत रउआ के कैसन लगल का कहल चाहतनी। हमार खुद और निष्पक्ष जज की कुर्सी पर बैठल आदरणीय प्यारे लाल कवि जी इनकर हमार दिली इच्छा बाब कि नीलम सिंह के हमन का आशीर्वाद दई जाम वही जगह आके अब भाई सुदई जी से गले से गला मिला के हमने का मिली जाम। स्वागत बा हमार दो जज साहब लोग काशीनाथ यादव जी और प्यारे लाल कभी जी मंच की तरफ आ रहल बनी नीलम सिंह के आशीर्वाद दिहन और इच्छा बात इस सुदई राम से गला मिली है।
ए विजय बाबू ई मौका बार बार ना मिली रहुआ रही पीछे। बिन घर नी घर भूत का डेरा, पुरुष और नारी में जीवन की एक मस्ती है। पुरुष पतवार है तो नारी उसकी कश्ती है। पुरुष गर जोग है तो नारी उसकी भक्ति है। अब पुरुष बलवान है तो नारी उसकी शक्ति है। जौना चीज के हम भुला गए वानी धारा प्रवाह बह गई हाँ कि हमार बिरहा दंगल कितना बढ़िया हो रहा बा, कि हमार जज साहब लोग अपन अपन आसन छोड़ के कलाकारन के आशीर्वाद देवे खातिर यहाँ अलन, हम पैर छुअल तक भुला गए कि बाहरे नारी अब बाहरे हमार रानी। हमार दोनों जज साहब लोग आके सुदई राम जी से गले मिलनी, नीलम सिंह के आशीर्वाद देनी। जज लोगन का फैसला हो गई, अब दुनिया के सबसे बड़ी अदालत जनता जनार्दन की अदालत में चलत बनी सामने स्क्रीन पर। बाबा बाहरे बा बहुत बढ़िया, बरसावत रही है इतना प्यार, लुटावत रही है इतना स्नेह, बनल बनी जा हमनी के, छोड़ के मैदान न हम हटब, न छोड़ के मैदान रउआ सब हटब, हमार गवैया भी तैयार बनन, हमार साज बाज वाले भी तैयार बनन, रउआ सब भी तैयार बानी, हमनी के तैयार बानी जा। ये एपिसोड के विराम लगावे के पड़ी जैसन के रउआ सब जानत नहीं, लेकिन ये एपिसोड के विराम लगवला से पहले बागी घराना और विद्रोही घराना के दोनों जज साहब लोग के हम आदर पूर्वक आमंत्रित कर रहल बानी कि दोनों जज साहब लोग रउआ सभे मंच पर आई और आके मंच पर कलाकारन के आशीर्वाद दी और जनता जनार्दन का भी आशीर्वाद स्वीकार करी, श्री परशुराम यादव और श्री सुरेंद्र यादव। संगीत गीत के का पर जोर।